आइए मंजुल बैठिए आप हिंदी में प्रेफर करेंगे बात करना या इंग्लिश में वेरी so गुड okay, अच्छा मेरे को ये बताइए कि आजकल गोरखपुर में क्या डेवलपमेंट चल रही है रोड्स so, की वाइडनिंग की जा रही है लार्ज स्केल ताकि ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस किया जा सके अच्छा उसके अलावा गोरखपुर में सर एक फेमस रामगढ़ झील है अच्छा? जिसके ब्यूटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है अच्छा ताकि गोरखपुर का टूरिस्ट पोटेंशियल बढ़े ओके उसके अलावा सर अभी गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर भी हमारे रिसेंट बजट में

एक्शन लेंगे क्या, क्या उसको मैनेज वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे गोरखपुर टाउन के ओके सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि वहां पे जो ड्रेनेज एंड सीवरेज फैसिलिटीज हैं उनके लिए जो ड्रेन्स बनाए जाते हैं वो उनकी प्रॉपर डिजाइनिंग इन कंस्ट्रक्शन हो जैसे मैन वगैरह से उसको इक्विप कर सकते हैं uh -huh. उसके अलावा जो हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं सर Uh, वहाँ पे मैं ट्राई करूंगी कि सर uh, वहाँ पे कहीं पे भी ब्लॉकेज वगैरह ना हो ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके एट द सेम टाइम सर डिस्चार्ज फैसिलिटीज पे काम करना चाहूँगी कि uh, प्रॉपर uh, डिकम्पोजिशन हो सके वेस्ट का

सर आई थिंक उसके लिए आ, आ, उसके लोकल लेवल पे जो लोग काम करते हैं एक तो सर आ, सर टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा होती है मैनवोल्स के अंदर सो so, नाइट्रोजनस गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं उसी की वजह से डेथ ज्यादातर हो रही है तो मैं मैं कोशिश करूंगी सर वहाँ पे ब्लॉकेज कम से कम हो ताकि आ, और मैनवोल्स जो है प्रॉपरली बिल्डअप किए जा सके अच्छे कंस्ट्रक्शन मटीरियल मेरे को ये बताइए की येन बेतवा लिंक क्या चल रहा है आजकल यूपी में है यूपीएमपी में सर केन बेतवा लिंक इज़ सर फ्लैगशिप स्कीम है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें केन रिवर जो कि मध्य प्रदेश में है उसको बेतवा रिवर जो कि उत्तर प्रदेश में उससे लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं हम एक डैम बनाने के साथ साथ धौधर डैम नाम है सर एंड ये केन रिवर जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश में लाई करता है सर इसके से इस स्कीम के थ्रू सर जो बुंदेलखंड रीजन है जे. उत्तर प्रदेश का जो कि वाटर डेफिसिट रीजन भी रहा है काफी टाइम से तो उसको सर हम कैचमेंट एरिया प्रोवाइड करने के किसी तरह एक बड़ा नेशनल वाइड प्रोग्राम है जिसको इंटरलिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट बोलते हैं जी सर उसके उसकी क्या खासियत है सर इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट के तहत हमारा बेसिक टारगेट ये होता है कि जो वाटर स्का, वाटर स्कार्स रीजन है या वाटर डेफिसिट रीजन है उसको हम वाटर प्रोवाइड कर पाए और उसके अलावा सर ये भी काम करते हैं कि जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है उससे अफेक्ट ना हो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम किया जाता है तो ये इतना अच्छा प्रोग्राम है तो उसको किया क्यों नहीं जा रहा है स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं?

ओवरऑल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है कुछ उसमें हानि भी है पर तो इस फिर आप इसको कैसे वो, वो करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को सर पहली बात तो सर डेवलपमेंट्स को रोक नहीं सकते सर जिस तरह से हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम हम लोग को जो हमारे लोकल इन्हेबिटेंट्स हैं उसको नीड्स उनकी फुलफिल करना भी आवश्यक है तो, अब क्या तो क्या करेंगे तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बिल्डअप हो रहे हैं वहाँ से जो पॉपुलेशन इम्पैक्ट होगी अफेक्ट होगी मैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कि उनको प्रॉपर प्लेस मिल सके ताकि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर जो लोकल हर्डल्स वो फेस कर पा रहे हैं उसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी और उनको कन्विंस करूंगी कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं उनके हित के लिए भी है और हमारे समाज और नेशनल लेवल पे भी हित के लिए है लेकिन ये टारगेट करते हुए कि उनकी कहीं ना कहीं लाइवलीहुड इम्पैक्ट मंजूर okay. यस सर yes, आठ तारीख को महिला दिवस यस yes, सर अगर आप गाजियाबाद में सिटी एसपी हैं जी सर महिला दिवस के दिन जी सर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ नया करेंगी बाकी डेली रूटीन का काम तो होता ही है लेकिन कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे कि इस दिवस का आभास उस शहर को भी हो और आपके डिपार्टमेंट को भी हो सर गाज़ियाबाद एक इंडस्ट्राइज सिटी है सर और डेवलप्ड सिटी है सर तो वहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में होंगे फीमेल्स भी होंगी तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ जो महिलाएं चार चारदीवारी के अंदर सीमित हैं मैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके कर आऊँ ताकि वो अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सके जैसे कि सर जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो अभी जैसे सर कर, आ, आ, सुमंगला योजना जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक हजार पचास करोड़ के बजट के अंदर सर सो मैं कोशिश करूंगी कि उस स्कीम का मैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं उसके अलावा सर मैं ट्राई करूंगी कि आ, जो वो हर्डल्स फेस करती हैं सर चाहे वो डोमेस्टिक स्पेयर में हो चाहे आउटडोर स्पेयर में हो उस mm -hmm. पर मैं काम कर पाऊं और सर ठीक ठीक मंजुल ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार वी सी दैट द गवर्नमेंट जॉब्स आर द टॉप प्रायोरिटी आई कैन रिकॉल वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इट

सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब इसलिए प्रायोरिटी रहा है उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में क्योंकि यहाँ सर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है रीजनल डिस्पैरिटी भी है सर कहीं ना कहीं कुछ एरियाज डेवलप्ड हैं कुछ एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं जिस वजह से जो लोग अनइंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कई जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ हैं बट वो फुलफिल्ड नहीं हैं उनके लिए अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सर गवर्नमेंट काफ़ी लेके आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस जो है पॉपुलेशन और सर्विस सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की आई थिंक मुझे लगता है इस वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं उसके अलावा सर मैं ये अपने ज़िले में जैसे देखती हूँ कि बहुत लोग रूरल एरिया से ईस्टर्न यूपी से मैं देखती हूँ कि वेस्टर्न यूपी के टुवर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं और उनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो सर वो दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं जैसे बैंगलोर हो गया महाराष्ट्र हो गया सर मैं ये समझती हूँ कि उसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं पहला तो ये कि आ, कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोकल बिल्डर्स और जो बिजनेस नहीं करते उन्हें लगता है कि उनको उनके का फेयर शेयर नहीं मिल पाएगा और दूसरी बात ये सर जो प्रोपोर्शन ऑफ़ वर्क वो काम करते हैं उनके लिए उनको हाई रेवेन्यू हायर वेजेस आउटसाइड मिल रहे हैं ठीक है ये बताए की नया विधानसभा बन रहा है विधानसभा भवन बन रहा है मंजुल यस सर आप 2014 के बाद से क्या कर रही हैं आप वहाँ सर 2018 में ग्रेजुएट हो गए मैं 2014 में जॉइन की 18 में ग्रेजुएट हो गए yes, उसके बाद से ये चार 5 साल में क्या कर रही हैं सर 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर मई में हुँ. उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी ही कर रही थी सर चलिए अच्छा, अच्छा. गोरखपुर में फ्लड की समस्या जो है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए सर डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अक्रॉस द रिवर उससे समस्या हल की जा सकती है उसके अलावा सर ड्रेनेज फैसिलिटीज पे काम कर सकते हैं ताकि जो स्ट्रॉन्ग वाटर वगैरह फ्लो हो रहा है उसकी प्रॉपर ड्रेनेज उत्तर प्रदेश क्या सीख सकता है, में, जिस उडिशा। उडिशा में होता जी है। तो उत्तर प्रदेश खासकर यूपी को क्या सीखना चाहिए फ्लड मैनेजमेंट के लिए सर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ सर जैसे साइक्लोन मैनेजमेंट जो उड़ीसा में है वो साइक्लोन मैनेज करने के लिए सर प्लांटेशन पे फोकस करते हैं पर्टिकुलरली मैंग्रोव्स तो उससे हम ये डिराइव कर सकते हैं सर कि हमें प्लांटेशन वगैरह पे जो देना चाहिए वो जो एक है एक जहाँ साइक्लोन वार्निंग होती है तो लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है यस सर उस तरह से हमारा फ्लड सेल्टर क्यों नहीं बनता है सर क्योंकि जो रेनफॉल हो रहा है आजकल वो काफी अन है सर कहीं कहीं हाई रेनफॉल अच्छा ये बताइए साल प्लांटेशन जो है सर सर साल पेड़ होता है जी sir. उसका प्लांटेशन में गोरखपुर का क्या कंट्रीब्यूशन है सोरी सर मुझे कुछ कॉन्क्रीट टांगिया कहंग के बारे में सुना है कुछ सर सुना जरूर है लेकिन आइडिया कोई बात नहीं ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट अभी बारह तेरह फरवरी को लखनऊ में हुआ था जी सर उससे गोरखपुर उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा और गोरखपुर का खास क्या फायदा होगा सर ये इन्वेस्टर समिट जो हुई है दस से बारह फरवरी के बीच में हाँ। उसमें अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन थाउजेंड फिफ्टी एट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है सर हाँ, कितने अमाउंट का कितने का टारगेट था सर अप्रोक्सीमेटली सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है नाइन्टी लाख प्लस लोगों को इससे नहीं अमाउंट हम अमाउंट पूछ रहे हैं कितना अमाउंट का हमारा टारगेट था और हम कितना अचीव किए सर कंक्रीट फिगर यार तो कोई बात सर, नहीं है आप बताइए गोरखपुर को क्या फायदा होगा सर जैसे कि हम लोगों ने इसमें, सिंग, इसमें सिंगापुर से एमओयू साइन किया है इकोलॉजिकल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए हाँ। तो सर जैसे गोरखपुर की मैं बात करूं तो यहां पे गोरखनाथ टेंपल है उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या टेम्पल कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं तो टूरिज्म पे काफी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या फायदा होगा सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर जैसे शुगर इंडस्ट्रीज और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सर जैसे कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले बंद हो गई थी लेकिन अब उसको ओपन करने के लिए काम किया जा रहा है ताकि वहाँ यूनियन बजट पेश हुआ था दो फरवरी को जी सर और उससे यूपी को क्या फायदा होगा ओपी के लिए खास क्या फायदा है सर कैन आई टेक टू हां हां बताइए बताइए सर एक जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ प्रणाम स्कीम लॉन्च हुई है सर जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे फोकस कर रही है फर्टिलाइजर्स के ऊपर कि उसको सब्सिडाइज रेट वगैरह में प्रोवाइड करना महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए यस yes, दोनों योजनाएं कहां मैं समन्वय हो रहा है भारत जो यूनियन बजट और यूपी का बजट दोनों का महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या आ, फोकस है सर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है सर हमारे बजट में ये आ, हम लोगों ने देखा ये कि पचहत्तर डिस्ट्रिक्ट में सर इकहत्तर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई है जी, उसके अलावा सर थैंक यू जी सर आपने अभी बात की गोरक्ष जी सर इसका ओरिजिनल नाम क्या गोरक्ष धाम है या गोरखधाम है गोरक्ष धाम है सर सर अच्छा जी सर. तो जो इनके वो संत थे जिसके नाम पे ये शुरू किया गया उनका नाम गोरक्षनाथ था गोरखनाथ गोरक्ष नहीं था नहीं सर ओरिजिनल नेम गोरक्षनाथ था गोरक्षनाथ अच्छा था, किस शताब्दी में थे ये सर युग में नहीं याद अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं तो एक जानने की कोशिश कर रहा था मुझे बताइए गोरखनाथ सॉरी गोरखपुर रीजन में जी सर जनता का कितने प्रतिशत लगभग इस पंथ का मानने वाला है सर एक सब्सटियल पोर्शन है सर परसेंटेज वाइजन मतलब सबसे ज्यादा इसी मंदिर के मैं विश्वास रखने वाले हैं या कोई दूसरे मंदिरों को भी वहाँ पर इस प्रकार की कोई मान्यता है सर सर गोरखनाथ गोरखनाथ मंदिर जो है उसकी सर काफी मान्यता गोरखपुर में तो काफी ज्यादा है uh -huh. लेकिन उसके अलावा चूंकि सर गोरखपुर एक मल्टी रिलीजियस सिटी है सर वहाँ पे uh -huh. और भी धर्म के लोग रहते हैं जैसे की मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस भी है सर okay. लेकिन फॉलोअर्स डेफिनेटली था सोशियोलॉजी था बताइए आजकल जब आप बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन हो रहा है लोग एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं या दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो उसके समानांतर एक माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में भी हो रहा है आपका क्या कहना हो रहा है ना रूरल टू अर्बन यस तो इसका सबसे पहला इम्पेक्ट अर्बन एरियाज पे क्या होता है सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम होती है सेकेंड हाँ? में देख पा रही हूँ तो

सर इसमें हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने हायर सब से बात करें इस बारे में और डेफिनेटली uh, फिर आई थिंक उस पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएंगे उसके अलावा मैं कोशिश कर सकती हूँ बना सकते हैं जैसे कि काफी बार रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के आसपास हम देखते हैं कि शेल्टर होम्स वगैरह हैं जिस जहाँ पे वो शरण ले सकते हैं क्या है। वो सरकार के बनाए हुए हैं सर कई जगह तो गवर्नमेंट के भी होते लेकिन कई जगह प्राइवेट सेक्टर्स भी बनाते हैं अच्छा जो एग्जिस्टिंग स्लम्स को कई जगह हटाया गया है yes. उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया है कुछ नई कॉलोनियां या बस्तियां बना के जी सर उनका सक्सेस रेट आपके हिसाब से कैसा है क्या वो सक्सेसफुली रिहेबिलिटेट हुए हैं लोग या नहीं सब कुछ लोगों को डेफिनेटली सक्सेसफुल जाते हैं लोग उसको बेच के दोबारा से एक नई झुग्गी बस, बस्ती बना लेते हैं सर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश जैसे कि इतना हाईली पॉपुलेशन रहा है आए, okay. सर यहाँ का तो डेफिनेटली काम करना होगा सर इस डायरेक्शन थैंक यू मंजूर आप एक मिनट यू